गंगा मैया की जय। तो फायदा तुरंत रिजल्ट दिखाई दिया, अब दोबारा आए हो विश्वास के साथ। बोल गंगा मैया की जय। बाहर के लोग बात थे कि चमत्कारी कुएं से कुछ नहीं होता, तो आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण आ रहे हैं और लोग अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं और चमत्कारी कुएं के पानी से बाकी में लोग ठीक हो रहे हैं, इस बात को हम भी मानने लग गए। मैंने हाथ से पानी लिया इसमें। अच्छा। मेरे यहाँ सूजन थी, जलन थी आंखन में, दर में दर्द हो, मेरे मतलब ये खुला करे और मेरे मुंह धोए हो, ये तो भाई एक घंटा डेढ़ घंटा मुझे फायदा हुआ। बिल्कुल फायदा हुआ। लापास कर दिया डॉक्टर ने, ना बोलता था ना खाता था ना पानी पी रहे हो। धौलपुर से डॉक्टर से ना वो आयो यहाँ घुटन से पानी लगाओ छींका मारे फिर मारे वो थक पड़ाए एक गिलास पानी पी वो। अच्छा। चाय पी फिर मारे गजब खाई वाले और आवाज नकार के जब बोलो आवाज बोल बोल करके थोड़ा ही वो तो तीन बार होता है। This is Moshram, welcome to my channel. तो आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम दोबारा फिर से आ गए हैं गादौली के चमत्कारी कुएं पे। पिछली वीडियो में हम पूरी जानकारी नहीं ले पाए थे और आज के वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आराम से चमत्कारी कुआ ये रहा, बोलो गंगा मैया की जय। आज के जितने भी मित्र हैं और सारे कन्फ्यूजन है सारे दूर कर देंगे आज की वीडियो में। लोगों का अनुभव लेते हैं और लोगों का मतलब किस बीमारी को लेके आए और किस बीमारी से वो सही हो रहे हैं धीरे धीरे। अब बात करते हैं जनता से। और ये दर्शनार्थ गांव के ये भाई साहब का शुभ नाम अजब सिंह। आपका बाबा साहब बताएंगे कैसे क्या कहाँ से आए हुए हैं और क्या फायदा मिला आपको। फायदा बताओ तो बताइए। मैंने हाथ से पानी लिया इसमें। अच्छा। मेरे यहाँ सूजन थी, जलन थी आंखन में, सर में दर्द हो, मेरे मतलब ये खुला करे और मेरे मुंह धोए हो, मैं तो भाई एक घंटा डेढ़ घंटा मुझे फायदा हुआ। बिल्कुल फायदा हुआ। गाँव कौन सा वैसे? गाँव मेरा जसनपुर वाला। ना पास कर दिया डॉक्टर ने, ना बोलता था ना खाता था ना पानी पी रहे हो। धौलपुर से डॉक्टर से नापास जयपुर के लिए दिया। लोहार लोहार थे बेचारे। जी जी। वो बस स्टैंड पे बस आते तो बस में चलता चल गई पानी। बिल्कुल हरी चलता चल गई। तो वो बेचारा बन के भैया मैं तो अपनी भैया की और की जान अपनी 20,000 की चेन बेच के नहीं जब आए तो बोलो करो सर कटी। मैंने बस में बात सुनी तो मैं तो आस्था के साथ यहाँ चले आया हूँ। वो आयो यहाँ घुटन से पानी लगाओ छींका मारे फिर मारे वो थक पड़ाए एक गिलास पानी पी वो। अच्छा। चाय पी फिर मारे गजब खाई वाले और आवाज नकार के जब बोलो आवाज बोल 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 करके तुरंत चमत्कार तुरंत आज घंटा भीतर पूछ लो जाकर फोन नंबर है फोन नंबर है अच्छा भरतपुर से आए हुए। तो आपके बीमारी वगैरह कुछ लिए आए हुए? मतलब यही बीमारी है क्या? मतलब गर्मी में भीगते। अच्छा। आप फायदा मिल रहा है कि मतलब आपको पहली बार ही आए हो तो आपको मिल जाएगा फायदा। यानी दौसा से आए हो तो आप पहले पानी कौन लेके गया था यहाँ से? तुम्हें लेके गए तो पानी वो किसके लगाया? पीओ लगाया। अच्छा पीओ लगाया। तो फायदा तुरंत रिजल्ट दिखाई दिया, अब दोबारा आए हो विश्वास के साथ, तो बहुत बढ़िया है। यानी कि लगातार बहुत दूर दूर से दौसा से आए हुए हैं ये, आप देख रहे हैं कि दोबारा आए जो कि फायदा मिल रहा है। तो दोबारा क्या तीन बार भी आओ फैला रहे हैं मतलब जो यहाँ के लोग बाहर के लोग भागते हैं कि चमत्कारी कुएं से कुछ नहीं होता, तो आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण आ रहे हैं और लोग अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं और चमत्कारी कुएं के पानी से बाकी में लोग ठीक हो रहे हैं, इस बात को हम भी मानने लग गए। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि मतलब कुएं के पानी में ड्रम में डाल के एक बाल्टी मतलब पूरा ड्रम का होता है और एक बाल्टी कुएं का डालते हैं लोग, उस ड्रम के पानी से भी ठीक हो रहे हैं और कुएं के पानी से भी ठीक हो रहे हैं। तो दोनों पानी क्वालिटी ठीक है, दोनों की दोनों में गुणवत्ता है, दोनों के पानी लोगों ठीक हो रहे हैं। क्या समस्या लेके आए हैं आप? हाथ पैर दुखता। हाथ पांव डॉक्टर को दिखाया इससे पहले आपने कहीं? हाँ दवाई गोली ले लिया। कोई लाभ नहीं है?
अब ठीक होते तो आप भी इसका प्रचार करोगे? बिल्कुल साहब, लोगों का भला हो जिससे और गंगा मैया सबों का पार लगाए। चलो साहब बहुत सुंदर। तो अच्छा, और पानी मिल गया आपको? अब लेंगे, अभी आए हैं ना, मिल जाएगा, मिल जाएगा पानी, कोई बात नहीं। आज हमने रोहित भाई को बहुत परेशान किया। रोहित भाई तो हमसे पहले ही आ गए थे। एक्चुअली प्रोग्राम तो मेरा था गादौली चमत्कारी कुएं पर दोबारा भ्रमण किया जाए और दोबारा आपको रूबरू कराया जाए जनता के अनुभवों से। तो रोहित भाई क्षमा करना, कोई गलती नहीं? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं, अपने बड़े भाई हैं और हो जाता है ऐसे। मैं इनका बहुत टाइम से वेट कर रहा था, यानी कि भाई से दो घंटे हो गए। मैंने 12 बजे का टाइम दिया था, मैं यहाँ पे 2:30 बजे पधार रहा हूँ यहाँ, तो मैं 2.5 घंटे अप्रोक्स लेट हूँ यहाँ पे। तो भैया ने तो पूरा काम कर लिया, जो दर्शनार्थ वगैरह आए थे उन्होंने, भैया ने उनसे अनुभव ले लिया और उनकी वीडियो बना ली और सारी चीज़ें, वो भैया फ्री हो गए। और जितने भी भाई मुझे जानते हो या इनको जानते हो, पहले ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है जी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि आप सभी का जो प्यार और सपोर्ट है उससे हम खुश हो जाते हैं दिल से जी। तो ये प्यार हमेशा लाइफ टाइम तक बना रहेगा जी भाई। तो ठीक है जनता, आइए, आपको वीडियो जरूर पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और रोहित भाई का भी चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर फॉलो करना, जरूर शेयर करना। और वीडियो दिल से दबाना है, ये लाल लाल सा बटन है, इसको ही दबाना है।